तो भाइयों एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज से यहाँ पर देखो आप वुमेन्स एशिया कप स्टार्ट होने वाला है, जिसका पहला जो मुकाबला है वो खेला जाएगा आज दोपहर में 1:30 बजे, और मुकाबला जो है वो खेला जाएगा यूएई वुमन वर्सेस नेपाल वुमन के बीच में। तो इस मैच की आपको पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा, बस आपको करना कुछ नहीं है, वीडियो जो है लास्ट तक वॉच करना है, आपको एक एक चीज़ यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले भाइयों अगर आपने अब तक टेलीग्राम चैनल को जो नहीं किया है तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करना है, क्योंकि फाइनल टीम और लास्ट मोमेंट अपडेट टेलीग्राम चैनल पे ही आने वाली हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन के अंदर पहले कमेंट में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक टॉप पर पिन किया हुआ मिल जाएगा, तो दोनों ही जगह से जाकर आप आसानी के साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। बात कर लेते हैं यहाँ पर पिच रिपोर्ट की। तो ये जो मुकाबला है वो खेला जाएगा रंगीरी डम्बुला इंटरनेशनल स्टेडियम डम्बुला श्रीलंका के अंदर ये मुकाबला खेला जाएगा। यहाँ पर जो लास्ट तीन वुमन के मैच हुए ना वो एक सीरीज हुई थी इंडिया और श्रीलंका के बीच में, उस सीरीज में एक मैच जीता था बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने और दो में चेज हुआ था, मतलब चेज करने वाली टीम को थोड़ा सा एडवांटेज रहा था, लेकिन जितने मैंने यहाँ पर मैचेस के रिकॉर्ड वहाँ पर देखे तो वहाँ पर स्पिनर्स को हेल्प अच्छी खासी मिल रही थी। अब देखो जो वहाँ पर वो तीन मैच हुए थे ना उसमें क्या हुआ, फर्स्ट इनिंग में 3 विकेट फास्ट को, स्पिनर्स को 13 विकेट दें, सेकेंड इनिंग में फास्ट को 2 विकेट, स्पिनर्स को 10 विकेट दें, तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर स्पिनर्स को ज़्यादा मदद मिल रही थी एज कम्पेयर टू फास्ट बॉलर्स। एवरेज स्कोर 120-140 के बीच में यहाँ पर बन रहा था, ये चीज़ आप ध्यान में रख के चलेगा, ज़्यादा हाई स्कोरिंग वेन्यू भी ये नहीं है। अब देखो पहले बात कर लेते हैं यूएई वुमन की टीम की, तो यूएई वुमन की जो टीम है इनकी तरफ से मोस्ट लाइकली ओपन कर सकती है तिलता सतीश, ईशा रोहित ओझा, फिर खुशी शर्मा आती हैं, कविशा इगोडागे, हिना हरीश, फिर यहाँ से रिनिता रजित, समायरा, यहाँ से धरंद्रिका वैष्णव, महेश, लवन्या केनी, इंदुजा नंद कुमार, इनके बाद में आपसे रिशिता रजित। तो ये इनकी टीम का लास्ट मैच के अंदर, मतलब ये इनकी टीम का प्लेइंग इलेवन रह सकता है विद बैटिंग ऑर्डर। स्टैट्स की बात कर लूँ तो तीर्था सतीश जो है ना करियर में खेली है 66 मैच जिसमें 1353 रन है, और हेड टू हेड में ये 2 मैच खेली नेपाल की टीम के खिलाफ 52 रन 26 का एवरेज है, रिसेंट फॉर्म 22-4-36-44-0 है, और साथ के साथ ये विकेट कीपिंग भी करती है, तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। ईशा रोहित ओझा ये एक देखते हो आप ऑलराउंडर प्लेयर है, 79 T20 में 2074 रन 56 विकेट, हेड टू हेड में 4 मैच में 49 3 विकेट, रिसेंट फॉर्म 66-0 विकेट 29 1 विकेट 66 2 विकेट है, शानदार प्लेयर। खुशी शर्मा है करियर में 65 मैच में 392 48 विकेट है, हेड टू हेड में 2 मैच में 12 2 विकेट, रिसेंट फॉर्म 0-0 विकेट 2 विकेट 1 1 विकेट 22 0 विकेट है। कविशा इगोड आगे हैं 79 T20 में 1787 रन 32 विकेट, और यहाँ पर हेड टू हेड में 4 मैच में 34 1 विकेट है, रिसेंट फॉर्म 23 0 विकेट 1 विकेट 17 0 विकेट 16 1 विकेट है, ये भी बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों चीज़ें यहाँ पर मेरे हिसाब से कर सकती हैं। फिर आएंगे यहाँ से हीना, 16 T20 में 105 रन 17 विकेट है, रिसेंट फॉर्म 32 0 विकेट 0 विकेट 11 2 विकेट 2 0 विकेट है। रिनिता रजित 34 T20 में 137 रन 1 विकेट है, रिसेंट फॉर्म 0-19 9 बैटिंग 9-7, उतना खास रिकॉर्ड इसका नहीं है। तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है वो है देखो तीर्था सतीश इंपॉर्टेंट है, ईशा रोहित ओझा ऑलराउंडर है, खुशी शर्मा है, कविशा है और हीना है, ये 5 प्लेयर यहाँ से बहुत क्रूशियल आपके लिए रहने वाले हैं। नेक्स्ट जो प्लेयर आएंगी समायरा आएंगी, जिनके नाम 53 मैच में 141 40 विकेट, हेड टू हेड में 3 मैच में 4 विकेट, तो बढ़िया रिकॉर्ड, रिसेंट फॉर्म 0 विकेट 3 विकेट 4 विकेट 0 विकेट है। वैष्णव महेश 68 मैच में 82 विकेट, हेड टू हेड में 3 मैच में 16 0 विकेट, रिसेंट फॉर्म 0 विकेट 2 विकेट 0 विकेट 2 विकेट है। लवण्या केनी है 33 मैच में 161 10 विकेट, रिसेंट फॉर्म 8-0 9 बैटिंग 9 बैटिंग 0 है। इंदुजा नंद कुमार 46 मैच में 25 विकेट है, हेड टू हेड में 1 मैच में 0 रन, रिसेंट फॉर्म 9 बैटिंग 9 बैटिंग 0 विकेट 9 बैटिंग 9 बैटिंग है। और रिशिता रजित 2 मैच में डिड नॉट बैट है, और लास्ट के जो 5 मैच है वहाँ पर ये डिड नॉट बैट ही रही हैं। तो यहाँ से ये जो 2 बॉलर है ये भी अच्छे बॉलर है जिनको आप ट्राई करने का सोच सकते हो, बाकी कोई उतना खास प्लेयर यहाँ पर नहीं है। बेंच पर जो प्लेयर इनके इसमें है रितिका रजित, जिनके नाम 6 T20 में 0 विकेट है, और रिसेंट फॉर्म 9 बैटिंग 0 विकेट, इनके अलावा 9 बैटिंग 1 9 बैटिंग है। यहाँ से सुरक्षा कोटे हैं 42 T20 में 31 विकेट, हेड टू हेड में 1 मैच में 1 रन, रिसेंट फॉर्म 1 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 9 बैटिंग 1 विकेट है। और महक ठाकुर 7 मैच में 1 विकेट, रिसेंट फॉर्म 9 बैटिंग 0 विकेट 9 बैटिंग 9 बैटिंग 1 नो डाउट है। इमली थॉमस का मेरे को कोई रिकॉर्ड यहाँ पर नहीं मिला है। इनकी तरफ से स्टार्टिंग ओवर डालती है समायरा, धरंद्रिका, इंदुजा, नंद कुमार, और डेथ में आनी चाहिए खुशी शर्मा,
कविशा इगोडागे और शमायरा दरंदिका। तो ये इनकी टीम की तरफ से स्टार्टिंग रहते हुए डालने चाहिए। अब ये तो बात हो गई यूएई की टीम की, अब बात करेंगे अपन दूसरी टीम यानी कि नेपाल की टीम की। तो नेपाल की जो टीम है यहाँ से मोस्ट लाइकली ओपन करनी चाहिए कविता कुंवर, शीता राणा मगर, फिर यहाँ पर इंदु वर्मा, रूबीना छेत्री, डोली भट्टा, कविता जोशी, काजोल श्रेष्ठा, बिंदु रावल, शबनम राय, रोमा थापा और ममता चौधरी। तो ये इनकी टीम का मोस्ट लाइकली प्लेइंग 11 रहना चाहिए विद बैटिंग ऑर्डर। स्टैट्स की बात कर लेते हैं तो कविता कुंवर जो है इनके नाम 47 T20 में 199 रन 41 विकेट है, हेड टू हेड में 4 मैच में 4 रन और 4 विकेट है इनके नाम। रिसेंट फॉर्म 5 एक विकेट 13 0 विकेट 1 2 विकेट 23 एक विकेट है। बैटिंग प्लस बॉलिंग कर सकती है, स्पेशली बॉलिंग ज़्यादा अच्छी करती हैं ये। फिर आएंगे यहाँ से सीता राणा मगर, 53 मैच में 863 50 विकेट, हेड टू हेड में 4 मैच में 56 6 विकेट, रिसेंट फॉर्म 11 2 विकेट 50 एक विकेट 5 0 विकेट 74 0 विकेट है। इंदु वर्मा 53 मैच में 639 26 विकेट, हेड टू हेड में 4 मैच में 28 3 विकेट, रिसेंट फॉर्म 17 0 विकेट 1 0 विकेट 4 एक विकेट 9 0 विकेट है। रूबीना छेत्री 55 मैच में 741 42 विकेट, हेड टू हेड में 4 मैच में 30 0 विकेट, रिसेंट फॉर्म 17 0 विकेट 118 3 विकेट 2 विकेट 20 1 3 विकेट है। फिर यहाँ पर आएंगी 20 1 विकेट है सॉरी यहाँ पर डोली भट्टा 20 मैच में 86 हेड टू हेड में 2 मैच में 7 रिसेंट फॉर्म 9 बैटिंग 9 बैटिंग 6 9 बैटिंग 25। कविता जोशी 35 मैच में 13 विकेट, हेड टू हेड में 1 मैच में 1 रन, रिसेंट फॉर्म 29 1 विकेट 20 2 विकेट 67 0 विकेट है। ये ना T20 की एक लीग होती है यहाँ पर नेपाल के अंदर, उसमें खेल के आ रहे हैं इसलिए इनका आपको रिकॉर्ड उतना शानदार दिख रहा होगा। यहाँ से इंपॉर्टेंट प्लेयर इनके कविता कुंवर, शीता राणा मगर, इंदु वर्मा और रूबीना छेत्री, ये चार प्लेयर आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल मेरे हिसाब से रहने वाले हैं। फिर आएंगे ऐसे काजोल श्रेष्ठा, 45 मिनट में 298 10 का एवरेज, हेड टू हेड में 3 मैच में 48, रिसेंट फॉर्म 0 4 33 7 36 है। बिंदु रावल 29 मिनट में 202 हेड टू हेड में 1 मैच में डिड नॉट बैट, रिसेंट फॉर्म 14 1 विकेट 36 1 विकेट 28 1 विकेट और 19 1 विकेट है, लेकिन ये रिकॉर्ड कहाँ का है T20 लेवल का। शबनम राय 11 मैच में 10 विकेट है, हेड टू हेड में 1 मैच में 1 विकेट, रिसेंट फॉर्म 0 विकेट 2 विकेट 0 विकेट 0 1 विकेट है, ट्राई कर सकते हो बॉलिंग फर्स्ट मैन को। रोमा थापा 21 मैच में 74 हेड टू हेड में 2 मैच में 0, रिसेंट फॉर्म 5 9 बैटिंग 1 23 6 है। ममता चौधरी 10 मैच में 25 हेड टू हेड में 1 मैच में डिड नॉट बैट, रिसेंट फॉर्म 9 35 16 32 10 है। बाकी बेंच पर है यहाँ पर पूजा महतो जिनके नाम 17 मैच में 151 16 विकेट है, रिसेंट फॉर्म 14 1 विकेट 24 0 विकेट 8 0 विकेट है। यहाँ से समझाना खड़का 16 मैच में 63 रिसेंट फॉर्म 13 54 5 74 10 है। यहाँ से रजमाती एरी ये भी यहाँ पर T20 खेल के आ रही है, 10 0 विकेट 0 विकेट 11 0 विकेट 50 0 विकेट। कृतिका मर्शिनी 2 मैच में 0 विकेट, रिसेंट फॉर्म 3 2 विकेट 4 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 3 विकेट है। अभी जो T20 लेवल पे क्रिकेट खेल के आ रही है वहाँ पर बहुत अच्छी बॉलिंग इसने करवाई थी। स्टार्टिंग ओवर डालनी चाहिए कविता कुंवर, इंदु वर्मा, डेथ में आनी चाहिए कविता कुंवर, यहाँ से कविता जोशी और यहाँ से सीता राणा मगर। एनालिसिस वाला पार्ट हो चुका है कंप्लीट, उम्मीद करूँगा आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं ऐसे या कब के तो आप मेरे को बताना, मैं आगे पूरे मैचेस यहाँ पर कवर करूँगा। सबसे पहले टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना क्योंकि लास्ट मोमेंट अपडेट यहीं पर आएंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पहले कमेंट में टॉप पर पिन किया हुआ दिया हुआ है। फिलहाल के लिए बात कर लेते हैं अब डेमो टीम की। तो डेमो टीम में मैंने विकेट कीपिंग सदस्य रखा तीता सतीश, यहाँ से आर रजित, ईशा रोहित ओझा, रूबीना छेत्री, यहाँ से के कुमारी, इनके अलावा यहाँ पर सीता राणा मगर, हीना, इनके अलावा खुशी शर्मा, इंदु वर्मा, के कुंवर और शबनम राय को मैंने रखा है। कैप्टन मेरी यहाँ पर ईशा रोहित ओझा, वाइस कैप्टन रूबीना छेत्री। बाकी फाइनल टीम मिलेगी टेलीग्राम पे, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।